सूर्य और शनि अपने समसप्तक योग में पहुंच चुका है। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक ये रहने वाला है और ये एक महीना किस राशि पर ये योग किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है, इसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में और हमारे साथ इस पर खास बातचीत के लिए एक बार फिर से मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। नमस्कार, जय श्री राधे भक्तों, आप सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, ये एक महीने के दौरान मकर राशि जो है वो लोग किस तरीके से रहने वाले हैं, कैसा रहने वाला है, किस तरीके से देखते हैं, उतार चढ़ाव है या फिर कुछ गुड न्यूज मिलने वाला है इन्हें? देखिए, मकर राशि वालों के लिए देखा जाएगा तो इनके लिए बहुत कुछ परिवर्तन यह समसप्तक योग काल लेके आ रहा है। उनके पर्सनल लाइफ, लव लाइफ या कह लीजिए कि प्रोफेशनल लाइफ, इन तीनों पर बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए एक नए चैलेंज, एक नए टास्क के लिए, चाहे वह पर्सनल लाइफ हो चाहे वह प्रोफेशनल। ये समसप्तक योग जो है वह बहुत कुछ परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाला है। शुरुआत में ही आपने बोल दिया कि टास्क के लिए तैयार हो जाइए, तो मेरे ख्याल से दर्शक अब ज्यादा जानना चाहेंगे कि वो कैसी कैसे प्रॉब्लम्स है जिनसे उन्हें लड़ना है। सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, स्वास्थ्य को लेके कुछ ब्लड संबंधी, ब्लड की कमी या ब्लड से हाई बीपी या लो बीपी इत्यादि ब्लड से संबंधित रोग इनको कुछ ना कुछ इस बीच ज़्यादा परेशान करके रखेंगे, लेकिन इस बीच कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी तो इनको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना है। हाँ, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। देखिए दर्शकों और खुशबू जी, मैं एक ऐसा ज्योतिषी हूँ पूरे, मुझे लगता है कि मीडिया में, कि मैं खुल करके कहता हूँ कि वैद्य का काम वैद्य करेगा, ज्योतिषी पर तुरंत मत जाइए। जब उस समय ब्राह्मण में, अगर ब्राह्मणों में इतना विद्वान रावण था कि उसको हर चीज पर, हर क्रिया पर नियंत्रण था, तब भी उसने ब्रह्मांड का सबसे अच्छा वैद्य सुसेन वैद्य अपने पास रखा था। तो हम आप उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो वैद्य का काम वैद्य करता है। हाँ, जहाँ वैद्य से नाउम्मीदी मिलती है वहाँ ज्योतिष और अध्यात्म अपनी भूमिका निभाता है। तो आपको सही समय पर एक सही उचित डॉक्टरी सलाह लेना इस महीने नहीं भूलना है, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो पहला टास्क तो आपने बता दिया कि ये इनके लिए क्या होने वाला है। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को लेकर के ही इन्हें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत मुझे समझ में आ रही है कि ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए, उनके लिए कैसा रहने वाला है ये एक महीना, किस तरीके से देखते हैं? देखिये, वर्किंग लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, चाहे वह गवर्नमेंट नौकरी में हो चाहे वह प्राइवेट नौकरी में हो, दोनों के लिए यह महीना जो है वह नए रूप से नए चैलेंजेस को लेकर के आ रहा है। चैलेंज कैसा? अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में हैं तो आपके सीनियर का परिवर्तन जो है, एक नए वरिष्ठ का आना और नए वरिष्ठ के साथ तालमेल बिठाना, यह आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा। दोनों की सोच, दोनों की कार्यशैली विरोधाभासी होने की वजह से आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना अपने कार्य स्थान पर करना पड़ेगा। इसी के विपरीत अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपको विशेष रूप से अपने सहकर्मियों द्वारा एक नए चैलेंज को झेलना पड़ेगा, यानी सहकर्मी आपके प्रभाव वृद्धि से या आपके जो प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है या आपके पदोन्नति है, उससे जलन करके या ईर्ष्यालु भावना रख करके आपको कहीं ना कहीं फंसाने और परेशान करने का प्रयास करेंगे। तो आपको थोड़ा सा इस बीच सतर्क रहने की जरूरत, अपने सहयोगियों के द्वारा भी जरूरत रहेगी। खुशबू जी, नौकरी में भी आपने बता दिया कि टास्क ही टास्क है इनके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्या उनके लिए भी टास्क है या फिर कुछ नया मिलने वाला है, कुछ कुछ खबरी मिल सकती है? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है, और जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश कर रहे थे या फिर नौकरी में परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए भी खुशखबरी का समय है। नौकरी में परिवर्तन बहुत अच्छा मिल सकता है, संभव है, यह काल बहुत अच्छा है। इसके साथ ही स्टूडेंट और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए भी चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इस बीच एक नया टास्क इनको मिलने वाला है कि इस बीच इनके मित्रवत, जो इनका फ्रेंड्स ग्रुप है, वह एक गलत ग्रुप से इंट्रोड्यूस होंगे, या कह लीजिए कि गलत आचरण के लोगों के साथ इनका इन्वॉल्वेशन ज़्यादा होगा, तो भटकाव और गलत संगत का शिकार होना इस बीच बहुत तेजी से आपके लिए संभलने की जरूरत रहेगी। अगर इस चीज से अपने आप को उबाल लेते हैं या संभाल लेते हैं तो आपके लिए यह समसप्तक योग काल बेहतर हो जाएगा। चलिए, ये स्टूडेंट्स की बात कर ली हमने, नौकरी पेशा लोगों की बात कर ली, दोनों के लिए आपने बता दिया कि हाँ, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है तो सावधानी बरतने की जरूरत है।
क्या व्यापारियों के लिए भी कुछ ऐसा ही है, उन्हें भी सावधानी बरतनी है या फिर ये लाभकारी होने वाला है ये एक महीना उनके लिए? देखिए, व्यापारियों के लिए देखा जाए, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह संसप्तक काल बहुत अच्छा रहने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग विशेष करके गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या निर्माण से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं। जहां भी मंगल का प्रभाव आ रहा है, निर्माण का प्रभाव आ रहा है, वहां पर आपके लिए बेहतर होने वाला है। इस बीच व्यापारियों के लिए एक और अच्छी खबर मिलेगी उनको कि कहीं अगर उनका धन अटका हुआ, तो किसी को उधार दिए थे, किसी की मदद के लिए दिए थे और अब तक वह लौटा नहीं रहा था, तो कुछ न कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी कि वह धन आपको मिल जाएगा और उससे आप एक अच्छी आर्थिक स्थिति में आ जाएंगे, जिससे अपने व्यापार की वृद्धि के लिए भी आप ध्यान दे पाएंगे। तो व्यापारियों के लिए यह संसप्तक काल मकर राशि वालों के लिए बेहतर रहने वाला है। चलिए, व्यापारियों के लिए खुशखबरी है, नौकरी पेशा लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी आप बोल रहे हैं कि लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। उसी हिसाब से अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप को आप किस तरीके से देखते हैं? जो लव रिलेशनशिप में है उनके बारे में क्या कुछ कहना है आपका, पहले इनके बारे में बताइए, फिर हम मैरिड लोगों को लेकर के बात करें। देखिए, लव रिलेशनशिप वालों के लिए देखा जाए तो लव रिलेशनशिप वालों के लिए इस महीने जो है सबसे बड़ा, जो कह लीजिए कि हमने शुरू में जब एक शब्द दे दिया कि टास्क, तो सबसे बड़ा टास्क यह है कि इनको इस महीने फेक, दिखावटी, बनावटी लोगों से बचकर रहना है। और साधारण भाषा में मैं खुशबू जी कहूँ, मैं तो खुद इस चीज़ों को बहुत ऑड मानता हूँ, लेकिन आपको सामान्य रूप से बहुत मीठी मीठी बातें करने वाले और लव रिलेशन में बहुत छोटे समय में बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने वाले लोगों से दूरी रखना। जहाँ आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने वाला कोई दिख जाए, समझ जाइए कि यह धोखा देने वाला है और 100% उससे इस महीने दूरी बना लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं और किसी न किसी कारण आपके वैवाहिक जीवन में जुड़ने से रुकावट आ रही थी, तो इस महीने आपको इस संसप्तक योग काल में आपको खुशखबरी मिल सकती है, आपको सफलता मिल सकती है। आपका पार्टनर अगर कहीं ना कहीं अब तक अवॉइड कर रहा था, या पार्टनर के राजी होने के बाद घर वाले या परिवार वाले अवॉइड कर रहे थे, तो वहां आप सबको राजीनामा मिल जाएगा और आपके जीवन में खुशियां प्रवेश करेंगी और आपका संबंध जो है वह और मंगलमय होगा। चलिए, मतलब लव रिलेशनशिप वाले यहाँ अगर देखा जाए तो उनके लिए एक महीना काफी खास, काफी अहम और काफी खुशी भरा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैरिड लोगों की। जो लोग मैरिड है, पति पत्नी के रिलेशनशिप को किस तरीके से देखते हैं, दोनों के बीच में कैसे संबंध रहेंगे इस एक महीने के दौरान? देखिए, विवाहित जीवन में खुशबू जी, पति पत्नी के संबंधों में यह जो कालखंड है, यह जो समय सीमा है कालखंड की, संसप्तक योग की, इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। खास करके दोनों के बीच भ्रम का आना, यानी दोनों के अपने रिश्तों में ही भ्रम आना, यानी कन्फ्यूजन आना, उससे रिश्ता प्रभावित होना और साथ ही साथ किसी परिवार के सदस्य या तीसरे का आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर बढ़ने से आपके रिश्तों में खटास आएगी, दूरियां आएंगी और रोज जो है क्लेश दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, जिससे कि मानसिक रूप से तनाव मिलना आपके वैवाहिक जीवन में शुरू हो जाएगा। इस तरीके का इस संसप्तक योग काल में निर्माण हो रहा है। और संतान उत्पत्ति के लिए ये समय कैसा रहेगा? संतान उत्पत्ति के लिए देखा जाए तो यह समय अनुकूल है, लेकिन शुरुआत में कुछ कठिनाई आ सकती है। अगर पिछले समय में अगर कहीं प्रेगनेंसी रुकी हुई है, तो इस महीने अगर वह सूत्र पचा चलता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है वह समस्याएं या दिक्कतों का सामना शुरुआती दिनों में आपको करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए संतान योग के लिए यह समय अनुकूल है। कठिनाइयों के बाद ही नया सूर्योदय होता है, तो समझ जाइए कि इस महीने जो आप जितने भी दिन कठिन समय गुजार लेंगे, उतना ही आने वाला समय जो है वो मंगलमय होगा। तो मकर राशि के लिए देखा जाए तो जिस तरीके से आपने बताया है, स्वास्थ्य लेकर रिलेशनशिप तक या फिर व्यापार से लेकर नौकरी तक काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। खुशखबरियां कम आती दिख रही है, लेकिन फिर भी जो लोग नौकरी पेशा हैं या फिर नौकरी ढूंढ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर लव रिलेशनशिप में है, मैरिड लाइफ में, उन लोगों के बारे में कुछ उपाय जानना चाहूंगी, कुछ रेमेडीज बता दीजिए जिससे ये लोग खुद की जो ये एक महीने के दरमियान का जो इनका लाइफ है इसको सेटल डाउन कर सके। देखिए, अगर इनके जीवन में चाहे वह पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर कहीं से भी उतार चढ़ाव को दूर करना है या जो भी समस्याएं हमने बताई, अगर इस तरीके का फलित आपके जीवन में हो रहा है, तो एक उपाय जरूर करिए आप,
क्या करना है आपको, थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ चीजें सामग्री इकट्ठा करना होगा। आप समी के वृक्ष की लकड़ी ले लीजिए, समी के पौधे की लकड़ी ले लीजिए, और कहीं से गिरी हुई पीपल की लकड़ी ले लीजिए, या पीपल का अगर जड़ मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है, और एक तुलसी का जड़, सूखी हुई तुलसी कहीं हो तो उनका जड़। ये तीन चीजों के जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके और शनिवार के दिन अपने सिराहने रख लीजिए, सिराहने रख लीजिए, और इससे आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन, आपके जीवन में, आपके संबंधों में, आपके जो है खर्चों में नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, इन सभी पहलुओं पर आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो मकर राशि को लेकर के हम बात कर रहे थे और हमारे साथ आचार्य जी मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य जी ने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से ये एक महीना रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि मकर राशि वाले जो भी हमें देख रहे हैं उनके मन में जो भी सवाल था उन सब का जवाब आपको मिल चुका होगा। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।